तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अंकित श्रीवास्तव अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। और आज हम ले आए आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन अगस्त सितंबर के, और आप देखते हैं कि किसकी रैंक बनती है। सभी लोग बहुत सही टाइम पे आए हो, अभी कोई रैंक नहीं है, अब रैंक डिसाइड होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। डोमिनिक थियम ने 2020 के US ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीतने के लिए अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया, वह किस देश से संबंधित है? पहला क्वेश्चन, सभी लोग पोल में आंसर देंगे, है ना? चलिए स्टार्ट करिए, सभी लोग पोल में आंसर दीजिए, सभी लोग पोल में आंसर देंगे तभी रैंक बनेगी आपकी। पोल में आंसर दीजिए सभी लोग। खुशबू, मुकेश कुमार, संदीप पूर्वे, खुशबू बिन, सुषमा, अपराजिता सिन्हा, सभी लोग पोल में आंसर दें, सभी स्टूडेंट पोल में आंसर दें। खुशबू, मुकेश कुमार, संदीप पूर्वे, खुशबू बिन, सुषमा, अपराजिता। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, है ना? डोमिनिक थियम 2020 में यूएसए ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता था। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। किसने बेलारूस के विक्टोरिया अजारेंका को हराकर 2020 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? चलिए बताइए भाई इसका आंसर। पोल में आंसर दीजिए। अलीशा कुमारी, गायत्री यादव, खुशबू, सुषमा। किसने बेलारूस के विक्टोरिया अजारेंका को हराकर 2020 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर देंगे पोल में। अपराजिता सिन्हा, तो खुशबू, सुषमा, अपराजिता, अलीशा, गायत्री, मुकेश, संदीप, खुशबू, रोहित मौर्या, और लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अलका कुमारी वेलकम है। नाओमी ओसाका ये कहाँ की है? ये जापान की है, पता है आपको? जापान की, और बहुत ही रिचेस्ट, इस साल की रिचेस्ट वुमेन है, पता है आपको? रिचेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन है ये। निजी क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ता आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में अपना बीमा उत्पादकों को बेचने के लिए किस निजी क्षेत्र के बैंक के साथ गठजोड़ किया है? बताइए भाई, सभी लोग आंसर देंगे। दीपेश वेलकम है आपका, दीपेश, गुड इवनिंग दीपेश, सभी लोग पोल में आंसर दें। अलका कुमारी, दीपेश, सब लोग पोल में आंसर देंगे। तो आज रिवीजन हो रहा है, क्विक रिवीजन 100 क्वेश्चन होंगे आज। सुधीर सिंह नोनिया वेलकम है सुधीर सिंह, और आराम से पढ़िए। रिवीजन का मतलब होता है क्वेश्चन भी पढ़ना। अगर आप करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो 30 सेकेंड टाइम दीजिए एक क्वेश्चन पे, ताकि क्वेश्चन आप पढ़ सके अच्छे से। नैतिक कुमार, प्रेम कुमार वेलकम है सभी का। तो यस बैंक के साथ हुआ है गठजोड़, किसका? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का। आगे चलते हैं। आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है, यह किस बैंक के प्रबंधक है? बताइए भाई, थे अब नहीं है, किसके हैं? थे बताइए, जल्दी बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इंडिया का टॉप लीड बैंक है ये, टॉप लीड बैंक है कौन सा? प्राइवेट में टॉप लीड बैंक है इस समय। हम किसकी बात कर रहे हैं बताइए? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं, यस गेस वन, एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं HDFC की बात कर रहे हैं। 41% लोगों ने सही आंसर दिया। आगे चलते हैं हम लोग, है ना? तो एकदम केबीसी गेम की तरह चलेगा और बहुत ही एंजॉय करेंगे आप लोग, है ना? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न खेल सुविधाओं के लिए आधारशिला रखी है? बताइए सभी लोग, सभी लोग आंसर देंगे, सभी स्टूडेंट।
आपको पता होना चाहिए कि खेल मंत्री कौन है इस समय, किरेन रिजिजू। तो इन्होंने 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न खेल सुविधाओं के लिए आधारशिला रखी है। कहाँ पर? सुधीर सिंह नोनिया, संदीप पूर्वे, अंजलि कुमारी, अनीशा, सुषमा, सभी लोग पोल में आंसर देंगे। यस, एकदम करेक्ट आंसर है इसका, लेह, लद्दाख का लेह। बताना चाहेंगे कि लद्दाख में केवल दो ही जिले आते हैं, एक आता है लेह आपका आता है और एक कारगिल आता है, ठीक है, दो जिले होते हैं। तो लेह, लेह वैसे भी इस समय भारत का सबसे बड़ा जिला हो गया है, ठीक है, पहले कच्छ था, अब लेह हो गया है भारत का सबसे बड़ा जिला। ओम श्रीवास्तव, वेलकम है आपका। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सदाशिव पाटिल का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित है? मैंने सर आपको एक गेस बताया था कि पाटिल है तो कहाँ से होंगे, सुबह बताया था ना मैंने, ना किसी को याद है? मैंने सुबह बताया था ये ट्रिक, अभी शाम को बताया था शायद। चलिए देखिए, यही होता है, जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं मुझसे उन्हें ट्रिक भी आ जाता है ना। जल्दी बताइए आंसर। फटाफट हम लोग करेंगे सेशन को, है ना जी, एकदम समय मत खराब करिए, फटाफट करिए क्वेश्चन को। महाराष्ट्र, यस महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में योशी हिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? बताइए सर सभी लोग, योशी हिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? म्यांमार, जापान, सिंगापुर, जर्मनी या दक्षिण कोरिया? इसके पहले वाले प्रधानमंत्री काफी बीमार थे, तो बीमार की वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से त्याग दिया, है ना जी। सिंजे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सिंजे नाम था। तो अभी ये जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री ने लंदन में भारतीय उच्चायोग में तीन मूर्तियों के समारोह में भाग लिया है? जल्दी बताइए सभी लोग आंसर। लंदन में भारतीय उच्चायोग में तीन मूर्तियों के समारोह में भाग लिया है। चलिए सब लोग बताएंगे आंसर। किस केंद्रीय मंत्री ने लंदन में भारतीय उच्चायोग में तीन मूर्तियों के समारोह में भाग लिया है सर, बताएं। ओके, प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल बिल्कुल सही है। दिलीप कुमार सिंह, स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन। 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी व्यापार पहल और DTI समूह की बैठक भारत और किस देश के बीच हुई थी? बताइए सभी लोग। दसवीं रक्षा प्रौद्योगिकी व्यापार DTI समूह की बैठक भारत और किस देश के बीच हुई थी? बताएं सभी लोग। समय बहुत कम रह गया है साथियों, इसलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन लेंगे हम लोग, सभी लोग बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में, ठीक है, जब तक आप बोलेंगे तब तक पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा रहा। अमेरिका, अगला क्वेश्चन। हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध थे, बताइए सर। कपिला वात्स्यायन, नाम सुना है आप लोगों ने, मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, कम समय में अधिक क्वेश्चन। हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया, वो कौन थे? अगर आप लोग शास्त्रीय नृत्य देखते होंगे, शास्त्रीय नृत्य देखते होंगे तो पता होगा कि सर ये कौन थे, ये डांसर थे। कौन थे? ये डांसर थे, ठीक है जी। ठीक है ना, चलिए बहुत बेहतरीन, तो ये डांसर थे। आगे चलते हैं। सुमन सिंह वेलकम है, मनीष कुमार डेली, स्वागत है मनीष कुमार डेली। हाल ही में अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य केंद्र शासित
शासित प्रदेश मनाया गया। सर आप लोग जानते हैं ये काफी टाइम से चल रहा था, तो ये कहाँ पे मनाया गया है सर बताइएगा? किरण रिजिजू वगैरह मिल करके, अरुण जी, जेटली जी है ना, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैंसर की वजह से उनका लास्ट ईयर एक्सपायर कर गए थे, तो उनकी याद में जो है एक बहुउद्देशीय, और आपको बताना चाहेंगे अरुण जेटली की याद में ही जो कोटला कोटला का मैदान था उसका नाम अरुण जेटली रख दिया गया है। पता है ना आप लोगों को, अरुण जेटली स्टेडियम जो दिल्ली का कोटला है उसका नाम क्या रख दिया गया है? अरुण जेटली है ना। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो नाम भी याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ज्योति गोंड जी वेलकम है आपका। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन के एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में नामित किया गया है? सर बताएंगे आप लोग, दिन रात आप लोग फोन करते हो और फोन में इस शख्स की आवाज सुनते हो, ये कौन शख्स है जो आपको एलेक्सा, अमेजन के एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में नामित किया गया है? बताएं सर सभी लोग, अंशु यादव, अपराजिता सिन्हा, सुमन सिंह, अंजलि, सुषमा, सुधीर, गायत्री, संदीप, ओम प्रकाश, प्रेम कुमार, खुशबू, अनीशा, खुशबू, रोहित, सीमा, मनीष एंड अलका कुमारी। किस शख्स की आवाज आप लोग सुनते हैं? तो इनका नाम है अमिताभ बच्चन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर हम लोग। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस देश के तेल क्षेत्र से बाहर निकाल दिया है? सर किसको निकाल दिया है सर, है ना, सोच के बताएंगे आप लोग आंसर। ONGC, सर ONGC की मैं बात कर रहा हूँ। ONGC आप लोग पता होगा कि सर ONGC जो है ये महारत्न कंपनी है। ये क्या है? महारत्न कंपनी है। तो हम बात करना चाहेंगे कि ONGC हाल ही में सूडान, नाम तो नहीं लेंगे आप, अब आप बताइए किसको किया है बाहर? सूडान, सऊदी अरब, UAE, ईरान या इराक, किसका नाम है जल्दी बताइए। रुके न तू, थके न तू, सदा चलते रहे, ऐसे ही मुस्कुराते हुए, है ना। तो ऐसे मुस्कुराते रहो और फटाफट आंसर देते रहो, है ना। चलिए 2020 के लिए ओजोन परत, 2020 के लिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम जीवन के लिए ओजोन, ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष यह को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है सर? ये ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ओजोन दिवस कहिए तो मैं इसका ट्रिक बता दूं आपको, याद करने का ट्रिक बता दूं, बताइए। ओजोन अगर लेयर हट जाएगा तो हमारे ऊपर सितम होगा, सितम से सितंबर है ना, और 16 अंगारा बरसेगा तो 16 अंगारा से 16, तो 16 सितंबर हो गया ओजोन डे, है ना, सही है ना। सुमन सिंह, अनिशा, खुशबू, ट्रिक कैसा लगा मेरा? खुशबू सिंह नोनिया, मनीष कुमार, सुषमा, ओम श्रीवास्तव, दीपेश, सीमा, अंशु, रोहित, अंजलि कुमारी, सही है ना। चलिए मंतोष वेलकम है आपका, काजल कुमारी स्वागत है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के गवर्निंग काउंसिल में नियुक्त किया गया है? सर बताएं। वसीम अहमद वेलकम है आपका, इशिका राज स्वागत है आपका। चलिए बताइए सर, हाल ही में किसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के गवर्निंग काउंसिल में नियुक्त किया गया है? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। चलिए ऑप्शन आपके इस प्रकार है, विवेक अग्निहोत्री, परेश रावल, मनोज कुमार, अनुपम खेर या फिर रिया भरद्वाज, बताइए सभी लोग। सभी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हैं मूवी तो देखते ही होंगे आप लोग अपना कीमती समय निकाल के, इसका आंसर बताइए सभी लोग। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, इसका आंसर है विवेक अग्निहोत्री, इज द राइट आंसर। ठीक है, विवेक अग्निहोत्री बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, वह किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं? सर बताइएगा, हरिवंश नारायण सिंह,
हरिवंश नारायण सिंह, नाम सुना है आप लोगों ने? कोई बात नहीं, जिसने नाम नहीं सुना है आज सुन ले। देखिए पार्टी नेम से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, पार्टी के नाम से ही पता है ना कौन बंदा किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मंतोष प्रकाश, सुधीर सिंह, अपराजिता, मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं, सुमन सिंह, मनीष कुमार डेली, ईशिका राज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। तो सर करेक्ट आंसर है जनता दल, है ना। मोनी वेलकम है आपका, इशिका, वसीम अहमद, काजल कुमारी स्वागत है आपका। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने एशियाई विकास बैंक मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊंगा आपको, जस्ट 1 मिनट, पहले इसका आप लोग आंसर दे दीजिए फिर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। सर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप समझिए इस बात को कि ये भारतीय हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना, एशिया डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बताइए इनका नाम क्या है, नाम से ही लग रहा है कि ये भारतीय है ना, ठीक है, प्रवासी भारतीय कहीं के भी होंगे कि भारतीय है। तो इनका नाम क्या, समीर कुमार खरे, है ना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इसलिए इसको आप याद रखिएगा, ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, ऐसी क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं, है ना। तो दिमाग को जोर दीजिए और चीजों को याद रखिए, समीर कुमार खरे, है ना, याद रहेगा। चलिए, भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक नए निकाय के रूप में यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ विमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत डैश तक महिलाओं की स्थिति पर यूनाइटेड नेशन के कमीशन का सदस्य होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बताएं, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेट स्टेटस ऑफ वुमेन, अ बॉडी ऑफ द इकोनॉमी एंड द सोशल काउंसिल। इंडिया विल बी अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन टिल कब तक रहेगा, ये 2021 से शुरू होगा और कब तक रहेगा, बताइए भाई। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, ECOSOC यानी भारत को आर्थिक सामाजिक परिषद में, है ना। तो ये सर रहेगा 2021 से 2025 तक रहेगा, ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्ट्राइक करते हैं, आपको हवा भी नहीं लगेगा, आप कहेंगे सर क्वेश्चन कहाँ से आ गया, यही क्वेश्चन का लेवल है, देख लीजिए यही लेवल है करेंट अफेयर्स का, आप देख लीजिए अच्छे से, है ना। आपके एग्जाम में 30 से 40 नंबर का आएगा, कहीं भी मत जाइए, इस सेशन को जरूर देखिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेन फ्रेजर को सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ नामित किया गया, सिटी ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है सर, सिटी ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है, सभी लोग आंसर देंगे। सिटी ग्रुप का मुख्यालय, और सर एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये विश्व बैंक की पहली महिला सीईओ होंगी, सुन लीजिए मेरी बात को सर, एक बात सुन लीजिए सर, सारे सारे स्टूडेंट मेरी बात सुन लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ग्लोबल बैंक का, जो ग्लोबल बैंक है आपका, वो ये पहली जो है सीईओ होंगी उसकी, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में, है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं, आप मेरी बात नहीं सुने हैं, आप पहली महिला सीईओ बनी है सिटी ग्रुप की, ये तो सही है, लेकिन वैश्विक बैंक की जो ग्लोबल बैंक है उसकी पहली सीईओ बनी है, तो ये बड़ी बात है ना, जहां पे वर्ड आ जाए पहला, वो क्वेश्चन क्या हो जाता है सर, इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ऐसी चीजों को आप पढ़ने के लिए बने हैं और ऐसी ही चीजें आपको पढ़नी है ना, चाहे आज पढ़िए चाहे एक साल बाद पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा सर।
हाल ही में राजेश कल्लर को किस संगठन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। और ये क्वेश्चन इसलिए बेहतरीन हो जाता है कि इसमें से जिसके भी ये कार्यकारी निदेशक होंगे वो सारे वर्ल्ड लेवल पर हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें, चाहे IMF की, या वर्ल्ड WTO, WHO या IDB, है ना। मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, है ना। और इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। तो बताइए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक के ये कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। सर कौन? राजेश खुल्लर। तो याद रहेगा आपको राजेश खुल्लर। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लग रहा है सेशन आपको, अच्छा लग रहा है सेशन? क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहेंगे, आपके एग्जाम से रेलेवेंट रहेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, है ना, नो डाउट। एंड इसी के साथ समरेंद्र, सुप्रेंद्र कुमार वेलकम है, पीयूष वेलकम है आपका, है ना। सभी लोग याद रखिएगा ये टाइम मेरा हमेशा रहता है 9 से 11, 9 से 10:30 सुबह पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक। तो सर ये 1988 के IAS ऑफिसर थे, राजेश कुमार खुल्लर की बात करें तो ये 1988 के IAS ऑफिसर थे, है ना। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमेशा IAS ऑफिसर को ही बनाया जाता है ना, ठीक है, क्योंकि एक IAS ऑफिसर ही इसकी बखूबी जिम्मेदारी निभा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? एशियाई विकास बैंक ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में वृद्धि होने की संभावना है। सर वृद्धि होने की संभावना है, ये ADB ने अनुमान लगाया है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं कितना है ये। ओके एक बार क्वेश्चन आपको हम इंग्लिश में बोल देते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज एस्टिमेटेड द GDP ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई इन फिजिकल 2020-21। सर 27 दिसंबर को एग्जाम है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा अंजलि कुमारी, है ना। ये डिपेंड करता है कि हम कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए जो भी पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए और नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार हो जाइए, है ना, क्लियर है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, है ना। एवरी डे इज नॉट संडे, याद है ना आपको, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी आपके बहुत सही भी होते हैं, है ना। तो आज गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के पारिस्थितिक तंत्र की विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सर बताएं इसका आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन लोगों के लिए। चलिए रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? सर मऊ का मतलब होता है जब दो देश या दो राज्य आपस में समझौता करते हैं, उसको मऊ बोलते हैं, है ना। अब मऊ से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आता है। मेरे पास पूरी नोट्स पड़ी हुई है ना, उस पूरे नोट्स का ये निचोड़ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, ये साल भर का निचोड़ है सर, इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसका आंसर है राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान इज द राइट आंसर, क्लियर है। अर्चना पटेल वेलकम है आपका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के, चलिए बताइए सभी लोग, पोल में सभी लोग आंसर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए हो जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये पेटीएम फर्स्ट गेम है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो क्रिकेट के भगवान है। और क्रिकेट के भगवान कौन है बताइए आप लोग, किसको क्रिकेट का भगवान बोला जाता है? तो आप लोग आंसर गेस कर चुके होंगे और आप लोग को आंसर क्लियर हो गया होगा,
जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोग सोचे हैं। इसका आंसर है मिस्टर सचिन तेंदुलकर, मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने 18,600 समथिंग रन बनाए हैं वनडे में एंड 15,900 समथिंग रन बनाए हैं टेस्ट में, और 101 रन मारा है शतक, मतलब शतक का शतक मारा है सचिन रमेश तेंदुलकर ने। 24 साल इनका कैरियर था, 1986-89 से स्टार्ट किया था और 2013 में इन्होंने एंड कर दिया। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। हाल ही में थॉमस कप और उबेर कप जो डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 तक होने वाले थे, कि 2021 के लिए टाल दिया गया, वे कप किस खेल से संबंधित थे? बताइए सर, ये जो कप है थॉमस कप उबेर कप, नाम सुना है आप लोगों ने? नाम सुना है, बोलो। BWF का नाम सुना है? BWF नाम सुने हो? अगर नाम सुना है तो इसका आंसर फटाफट दे दोगे, चलो जल्दी से आंसर दो। पोलिंग में सभी लोग आंसर दीजिए। रिसेंटली द थॉमस कप एंड द उबर कप विच वर शेड्यूल्ड टू बी द हेल्ड फ्रॉम 3 to 11 अक्टूबर 2020 इन डेनमार्क हैज बीन पोस्टपोन फॉर द 2021। दिस कप वॉज रिलेटेड टू विच स्पॉट? सर मैंने पहले ही बोला था कि ये क्विक रिवीजन ऑफ द करेंट अफेयर्स है, 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक, फिर अगला 30 क्वेश्चन, हर 30 क्वेश्चन के बाद 1 मिनट का ब्रेक होगा एज अ प्रॉमिस। इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। थॉमस कप उबेर कप, दिलीप कुमार सिंह जी याद रखिएगा, कप से एक क्वेश्चन आता है। जैसे मैं आपसे पूछूं संतोष ट्रॉफी, बताओ संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर बैडमिंटन? बताओ संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड, जल्दी बताइए ना। क्रिकेट से तो नहीं है, फुटबॉल से है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फुटबॉल से है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए अपना नया देश निदेशक चुना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नया देश निदेशक, ओ माय गॉड, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, इसको बिल्कुल आप लोग मत भूलिएगा। चलिए बताइए, देश निदेशक यानी इंग्लिश में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक इट्स न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, बताइए किसको किया गया है, जल्दी बताइए फटाफट। प्रेम कुमार अचना, सब लोग आ जाइए जल्दी से, है ना, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। रीता गुप्ता वेलकम है आपका, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है, रीना कुमारी स्वागत है। आई थिंक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार आज क्लास में आ रहे हैं ना, राइट। टेको कोनिशी इज द राइट आंसर, टेको कोनिशी इज अ राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं, उन सभी का वेलकम है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, नाम सुना है आप लोगों ने? ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कोल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल देखिए सर, सर आप लोग क्वेश्चन का केवल लेवल देखिए, लेवल आप क्वेश्चन चेक करिए कि टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ट्वीट अवार्ड सुना है आप लोगों ने, है ना, तो ये जो दिया गया है जेफ स्कोल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है, सभी बताएंगे पोलिंग में, पोलिंग में सभी लोग आंसर देंगे। एंड हेयर इज द पोल, बताइए निशा मेहरा, मीरा नायर, शिवांगी जोशी, अनुराग कटियार या फिर विवेक मेहरा। एंड हु इज द न्यू? प्रेम कुमार, यस प्रेम कुमार, गुड इवनिंग। एंड शुभम गुप्ता, गुड इवनिंग शुभम, यू आर लेट 34 मिनट, आज आप लेट हो गए, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, सुबह का भूला, अगर सुबह ही आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं ये मेरी अपनी कहावत है कि अगर सुबह का भूला अगर सुबह ही आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, शाम को आ जाएगा तो भूला हो जाएगा ना, पूरा दिन का समय खराब कर लेगा, अभी तुम सिर्फ आधे घंटे लेट हुए। हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 Stacks का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? बताओ ब्रांड एम्बेसडर, जल्दी बताओ इसका आंसर। Who has been become the brand ambassador of online poker platform
9 स्टैक्स रिसेंटली। जल्दी से कम ऑन, क्विक क्विक आंसर दीजिए, फास्ट आंसर दीजिए। 30 क्वेश्चन जैसे ही समाप्त होंगे, अगले 30 क्वेश्चन आपके वेट कर रहे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं 1 ईयर का करेंट अफेयर्स करवा रहा हूं, क्विक रिवीजन ऑफ द करेंट अफेयर्स। यस सर, एज अ प्रॉमिस कि सब हो रहा है। तो इसका आंसर सुरेश रैना। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता है कि सुरेश रैना एक दिग्गज खिलाड़ी थे, T20 में इनका शानदार प्रदर्शन था, है ना, IPL में इनका शानदार प्रदर्शन था, लेकिन वनडे में कुछ विवादों की वजह से ये घिर गए थे और उसके बाद इनको टीम चयन में स्थान नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो सुरेश रैना जो है इसके ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stack के ब्रांड एम्बेसडर बने। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में टाइटन कंपनी ने भारत के पहले संपर्क रहित, सुनिएगा, संपर्क रहित, इंग्लिश बोलते हैं कॉन्टेक्ट लेस, है ना। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी, वॉइस किसको नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है ना। हाल ही में टाइटन कंपनी ने भारत के पहले रहित भुगतान खड़ियों को टाइटन पे नाम से किस बैंक के साथ किया है, जल्दी बताइए। इशिका अपना एक बार आप बेटा वो कर लो, रिफ्रेश कर लो इशिका, है ना, आप अपना मोबाइल जो है रिफ्रेश कर लो, हो जाता है समटाइम्स। क्वेश्चन सर बहुत अच्छा है। रिसेंटली टाइटन कंपनी हैज पार्टनर विद द विच बैंक टू द लॉन्च इंडिया फर्स्ट कॉन्टेक्टलेस पेटीएम वॉचलिस्ट नेम टाइटन पे। और आप लोगों का बचपन पूरा बीत गया होगा टाइटन कंपनी का नाम सुनते सुनते, है ना। बोलिए, अगर घड़ी की बात करते तो मिस्टर टाइटन याद रहता है, क्यों, सोनाटा या टाइटन, टाइटन बहुत फेमस है ना। तो ये किया है इंडिया का सबसे बेस्ट बैंक यानी SBI के साथ, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। रॉक्स वेलकम है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल आयुर्वेद समिट के चौथे संस्करण का उद्घाटन महामारी के दौरान आयुर्वेद के उभरते अवसर विषय पर किसके द्वारा किया गया, बताइए सर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, व्हाट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, हाइट ऑफ द लेवल। चलिए बताइए इसका आंसर। रिसेंटली द फोर्थ एडिशन ऑफ द ग्लोबल आयुर्वेद समिट वॉज वर्चुअली इनऑर्गेनेटेड बाई होम ऑन द थीम एमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। सर बताना चाहेंगे कि कल मेरी 5 क्लासेस है। पहली क्लास 1 बजे है मॉडर्न हिस्ट्री की, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, 100-200 क्वेश्चन चल रहा है। दूसरी क्लास 3 बजे है बिहार जीके की। तीसरी क्लास सर मेरी है 5 बजे ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और 9 बजे मैं पढ़ाऊंगा करेंट अफेयर्स। तो कल मेरी सर 4 क्लासेस है, मिस मत करिएगा। जो भी नए बच्चे हैं मुझे फॉलो कर लीजिएगा का, और प्लस में मेरी क्लास 11 बजे है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा COVID-19 के 100 क्वेश्चन। तो 5 क्लासेस कुल हैं, 1 प्लस में और 4 स्पेशल मैंने रखी है कल। तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू, ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में चीन ने, सर बिहार जीके का टाइम मेरा 3 बजे का है, मैं डेली पढ़ाता हूँ, ठीक है, डेली बिहार जीके। बेटा बिहार करंट मेरा 200 का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब 200 बिहार जीके करवा रहा हूँ, टोटल 400 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, 400-500 के राउंड ऑफ, ठीक है। हाल ही में चीन ने सफलतापूर्वक कितने उपग्रहों को पीले सागर में तैनात किया है, बताइए चल जल्दी से फटाफट, ठीक है। तो डेली आओगे, रेगुलर रहोगे तो मुझे, तुमको सारी क्लासेस मिलेंगी मेरी। तो एक PDF खत्म हो चुका है, अब बारी है दूसरे PDF की, है ना। तो ऐसे ही आप लोग आज जो है क्लास करोगे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 को किया है, कितने को किया है, 9 को। चलिए तो 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए, एक बार थम कर दीजिए, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं अगले 30 क्वेश्चन को, ठीक है, अगले क्वेश्चन को।
कोरोना वायरस संकट के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए मिशन का नाम क्या है? सर बताएंगे इसका आंसर। अभी मैंने बताया था, अभी मॉर्निंग में मैंने बताया था, किसी को याद है? मैंने मॉर्निंग में इसके बारे में जिक्र किया था। एनीवन, किसी को याद आ रहा है? मैंने जब मॉर्निंग में ही मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। हाँ, जस्ट 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन विच हैज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन नेशन एमिड द कोरोना वायरस क्राइसिस? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। आई थिंक ये अभी इवनिंग का लग गया है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बेटा, ये इवनिंग का पीडीएफ लग गया है, प्लस का, 1 मिनट रुक जाओ, ये मई का पीडीएफ है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ये पीडीएफ मई का है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ अभी पीडीएफ, सितंबर चल रहा है ना। हाँ चलिए, ठीक है, ये एक्चुअली अभी इवनिंग का पीडीएफ लग गया है, आपकी पीडीएफ दूसरी है, ये वाली पीडीएफ है। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, समटाइम्स हैपन। चलिए ये आपकी पीडीएफ है सर, ठीक है। हाँ ओके, हाँ वो भी पीडीएफ दे दिया है, वो भी कर लीजिएगा, ये वाली आपकी पीडीएफ है। चलिए जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। चलो स्टार्ट करें। हाँ, जहां से आपकी पीडीएफ है। चलिए, हरसिमरत और कौर बादल के इस्तीफे के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? बताइए किसे दिया गया है? चलिए क्योंकि अभी मैं अगस्त सितंबर पढ़ा रहा हूं, है ना। हाँ अगस्त सितंबर भी मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए सभी लोग बताइएगा इसका आंसर, आप सभी लोग पोलिंग में इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो ये दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। किसको दिया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस संविधान सभा से सांसद हैं? बताइए सर कहां से हैं, किसी को पता है? एनी वन आइडिया? कहां सांसद हैं आप लोग बताएंगे? देखिए बात क्या थी, क्यों हुआ, सुनिए, इस्तीफा क्यों दिया पता है किसी को? बात ये सिर्फ ये थी कि जो बड़े हुए जो मूल्य थे, फॉर्म सेवा विधायक जो था, विधेयक जो 2020 था ना, तो किसी
किसानों के उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक जो था उसमें किसानों के समझौते के विरोध में, हाँ विरोध में इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बठिंडा। ठीक है बठिंडा क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में मंतोष कुमार जी, ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं ठीक है, तो इसमें मैं कैसे पोल टाइम कम कर सकता हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किया है। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किया है, सभी लोग बताएंगे। सुष्मिता वेलकम है आपका। हाँ ये चलेगा बेटा, बस एक और रहेगा बिहार, है ना, ये तो चलता ही रहेगा। हाल ही में संतोष और सुनिए, जैसे ही टाइम आपका 10 बज जाएगा मैं पोल का टाइम 15 सेकंड कर दूंगा, है ना। हाल ही में अशोक गस्ती का निधन कोविड-19 कारण हुआ, वह किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे, बताइए सभी लोग। एक्चुअली बात क्या होती है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपना एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। 15 सेकंड के पोल में क्या होता है बेटा ना, कि इस समय 9 से 10 के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, और जिसके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है नेटवर्क, इसलिए 15 सेकंड में पोल होता ही नहीं, आता ही नहीं है, और जैसे ही 10 बज जाते हैं तो उसके बाद नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं रहती है, है ना। तो ये बात है, तो आप ही लोगों की अकॉर्डिंग में करता हूँ। चलिए बताइए, कोविड-19 के कारण अशोक गस्ती, तो ये थे कहां से, राज्यसभा सांसद कर्नाटका से थे। बाबा संजू वेलकम है आपका। बाबा संजू, भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया, उन्होंने रिजर्व बैंक के डैश गवर्नर के रूप में सेवा किया है, बताइए भाई। इस समय कौन है, इस समय शक्तिकांत दास है, कौन है इस समय वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। एक गवर्नर होते हैं और चार उप गवर्नर होते हैं ठीक है। हाँ तो ये 16वें नंबर के थे सर, ये सिर्फ 21 दिन के लिए बने थे, केवल 21 दिन के लिए बने थे। 15 जनवरी 1985 को अपॉइंटमेंट हुए थे और 1985 क्या बोलते हैं 4 फरवरी को ये चले गए थे। कृष्णा कुमार वेलकम है आपका। हाल ही में किन दो अरब देशों ने संबंधों को सम्मान करने के लिए इजराइल के साथ ऐतिहासिक अब्राहम समझौते पर किया है, बताइए सभी लोग, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। हाल ही में किन दो अरब देशों ने संबंधों को सम्मान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें हुआ क्या था मैं बता रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ। जो इजराइल के आपके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ये दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि जो दो अरब देश है इनके बीच में बहुत ही तनाव चल रहा था विदेश मंत्री, तो ये कौन थे बताइए, ये है बहरीन और यूएई, ठीक है बहरीन और यूएई, हाँ बहरीन और यूएई सही है, बहरीन और यूएई बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व जल निगरानी दिवस को मनाया जाता है, जल्दी बताइए फटाफट सभी लोग,
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, वाटर मॉनिटरिंग डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन, कब करते हैं बताइए बेटा। बाबा संजू वेलकम है, कृष्णा कुमार स्वागत है आपका। देखिए एक घंटा कब बीत गया पता नहीं चला है ना, 10 मिनट बचे हुए एक घंटे को होने को, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए है ना, इसी कदी के यही आनंद है। थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ रहे हैं ना तो आपके दिमाग में जा रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। हाँ 18 सितंबर, विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा समय देकर के मेहनत करके पढ़ना है ना। फिल्म निदेशक बाबू सीवन का निधन हो गया, वह किस फिल्म उद्योग से जुड़े थे, किस फिल्म उद्योग से जुड़े थे सर बताइएगा इसका, किस फिल्म उद्योग से जुड़े थे ये। मेरा तो मन था कि आज मैं आप लोगों को 11 बजे तक पढ़ाऊं, लेकिन आप लोग जब रेडी हो जाओ तब ना मैं तो फिर 100-150 क्वेश्चन करवा दूं, क्योंकि रिवीजन का समय चल रहा है ना। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल इज अ राइट आंसर, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, बहुत अच्छे, वेरी गुड। प्रेम कुमार यू आर रेडी एंड अंजलि यू आर ऑल्सो, एंड वॉट अबाउट और अदर्स, उन भारतीय किशोर किशोरी का नाम बताइए जिन्हें 2020 में 17 युवा नेताओं के सतत विकास लक्ष्यों के लिए नामित किया गया है सर बताएं। अनिशा सुष्मिता कुमारी एंड सुमन सिंह, संदीप पूर्वे, अंजलि कुमारी, ओम श्रीवास्तव, सुषमा अपराजिता सिन्हा, इशिका राज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंड वन थिंग कि कितना अच्छा लग रहा है कि अनअकैडमी आपके लिए कितनी सारी क्लासेस कर दी है, फ्री क्लासेस कितनी सारी कर दी है इस समय है ना, कितना अच्छा है आप लोगों के लिए। उदित सिंगल, क्या नाम है, उदित सिंगल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने एक नया वर्टिकल स्थापित किया जिसका नाम है उभरते उद्यमी व्यवसाय, कौन है भाई ये उभरते उद्यमी व्यवसाय, ये बैंक 2013 या 12 में आया था। इसके सीएमडी चंद्रशेखर हैं, जल्दी बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। यस आई एम टॉकिंग अबाउट द बंधन बैंक, ठीक है, बंधन बैंक, यस बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत अच्छे। एंड ओ मेरी चाय, अभी तो मैंने चाय बस पी लिया है ना। चलो अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 का विषय अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन है, यह को मनाया जाता है, द थीम ऑफ द इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है ना। तो चलिए देखते हैं कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कब बताइए। द थीम ऑफ इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 2020 इज अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्टलाइन, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब करते हैं जल्दी बताइए सभी लोग, कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सुमन सिंह, सुष्मिता कुमारी, अपराजिता सिन्हा एंड संदीप पूर्वे, मुकेश कुमार श्रीवास्तव, इशिका राज, रोहित मौर्या, बहुत बढ़िया। यस एवरी सितंबर में तीसरा शनिवार ना, एवरी थर्ड सितंबर इन थर्ड सैटरडे इन सितंबर, ठीक है, यस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जानते हैं ने हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लिया है, चलिए बताइए। ये
1996 में प्रधानमंत्री बने थे और 1997 तक थे। कब तक थे? 1997, एक वर्ष के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, हाँ। तो सर ये कर्नाटक से मंत्री हैं। कहां से मंत्री हैं? कर्नाटक से मंत्री हैं। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया? मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, स्कीम से, है ना, योजना स्कीम वही जो आप बताते हो, एंड इसके अलावा ऐप, मोबाइल, पोर्टल, ये सारे क्वेश्चन मैं रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा। आप लोग बने रहिए सेशन में, मैं ये सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा दूंगा एक एक करके। ठीक है, तो सुनिए, ये याद रखिएगा आप लोग, अगर काऊ की बात करें तो ये दिया गया था उत्तर प्रदेश में, और अगर हम बात करें काऊ कैबिनेट की, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट काऊ कैबिनेट की, तो आंसर क्या होता? तब आंसर एमपी हो जाता। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने पहले राष्ट्रपति के संस्मरण की घोषणा की, जिसका शीर्षक है अ प्रॉमिस लैंड, जैसे नवंबर 2020 में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा कितनी भाषाओं में किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, है ना, वो भी अमेरिका राष्ट्रपति। क्वेश्चन किसके अबाउट है? अमेरिकन राष्ट्रपति, तो ये क्वेश्चन बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बताइए सभी लोग। आपका, चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग।
सेशन को मैंने नाम दिया है ब्रेन टीजर। पता है क्यों? एक तो ये रात को होता है, ऊपर से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, तो इसका नाम मैंने दिया है ब्रेन टीजर। सो राइट आंसर इज अ यस। ओनली 20%, ओनली 19% पर्सन ने सही आंसर दिया है। चंदन जोशी इज अ राइट आंसर। काजल यादव वेलकम है आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल मौजा होगा, इसको बच्चे मौसा पढ़ लेंगे, बड़े मौसा जी नहीं है ये। हाल ही में जनरल मौजा त्रोरे का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जो 1968 से 1991 तक सत्ता में थे? बाप रे बाप, 1968 से 1991, आप मेरी बात समझ रहे हो? कितने साल बताओ? 23 साल तक सत्ता में थे, 23 ईयर। माई डियर फ्रेंड, बताइए कहाँ से थे ये? ऐसा स्टेट
केनरा बैंक, केनरा बैंक इज द राइट आंसर। हाँ चलिए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है जो राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नारी शक्तिकरण शक्तिकरण से क्वेश्चन है ना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर दिया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ सभी लोग कौन सा राज्य है, जल्दी बताओ। इसमें इसके तहत जो है एक स्कीम है MMU, क्या है MMUY, हाँ, इसके तहत जो महिला उत्कर्ष योजना के तहत जो है 50,000 रुपए कितना मिलेगा, 50,000, हाँ ठीक है मिल जाएगा, है ना, ऋण मुक्त ब्याज मिल जाएगा इतना। हाँ तो ये हम बात कर रहे हैं गुजरात की, बात कर रहे हैं गुजरात। नंदिता लाल तेजस वेलकम है आपका। पुस्तक आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन के लेखक कौन है जिसे पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया। भैया कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हो आप लोग, मिस बिल्कुल मत करना स्टूडेंट, जिसके पास समय है जो जानता है पढ़ाई की कीमत वो लोग बने रहो विद्यार्थियों, है ना। मैं बात कर रहा हूँ अनीशा, प्रेम कुमार है ना, सुमन सिंह, अंजलि कुमारी है ना, सुधीर सिंह नोनिया, जो भी स्टूडेंट है बने रहिए भाई। कितने स्टूडेंट हैं जो बने हुए मेरे साथ, कमेंट कर सकते हैं, एक घंटा हो चुका है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ बने हुए हैं, अरुंधती राय नाम ले लीजिए, एक बार नाम ले लेता हूँ, अंजलि कुमारी, प्रेम, काजल यादव, सुमन सिंह, सुधीर सिंह नोनिया, ओके वेरी गुड, कीप इट अप। सुमन सिंह है ना, ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय आयुर्वेदिक संदीप पूर्वे चिकित्सक PR कृष्ण कुमार का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे, बताइए सर, बताइए इसका आंसर। रात को 9 बजे करेंट अफेयर, 11 बजे क्लास होगी कोविड
कम करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 30। बढ़िया मोटिवेशन है, आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। सर बताइए, मोटिवेट हुए कि नहीं आप लोग? आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा, है ना। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास को आगे चलते चलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो ऐसे ही आप लोग मोटिवेट रहिए मेरे साथ, बने रहिए। हाल ही में असिमी गोइता को किस देश की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए सर, किस देश की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सेप्टेम्बर में तीसरा शनिवार बिल्कुल सही आंसर है। अब सही है ना, पोल टाइम
57 है, चलो 57 है, कोई बात नहीं। हाल ही में अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है, बताइए सभी लोग। वेरी इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ, एचडीएफसी लाइफ और यस बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था में प्रवेश किया। यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? यस बैंक के ऊपर काफी मामला आ गया था, पता है आपको ना, जनवरी की बात है, जनवरी की न्यूज किसी को याद है? हाल ही में इस्माइल तुरुमा को बोगनविले का राष्ट्रपति चुना गया है। बोगनविले की राजधानी क्या है? अभी तो कितने बच्चों ने नाम ही सुना होगा पहली बार, है ना? क्यों नाम ही पहली बार सुने हो? कितने स्टूडेंट नाम पहली बार सुने बताओ? आप लोग कहोगे सब कितने सारे देश होते हैं, है ना? बुका, अब आप सोच लो अनीशा पढ़ाई कितना करना है, समझ में आ रहा है ना? जिसने पहली बार नाम सुना है वो सोच लो पढ़ाई कितना करना है। अभी आप पुस्तक वायस ऑफ डिसेंट के लेखक कौन है, जिन्हें पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ सिंगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया? अनीशा डेली आया करो तुम, हाँ तुम पढ़ने में अच्छे हो, डेली आओ। हाँ प्रेम कुमार अब आपसे डेली आना, ठीक है, और अपने दोस्तों को ले आओ अनीशा, अपने दोस्तों को भी ले आओ, कजन को ले आओ, कजन सिस्टर ब्रदर, प्रेम कुमार से फ्रेंड्स को भी ले आओ ना, उनको भी जुड़वाओ, है ना? जब वो लोग सुनो, जब अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करवाओगे ना तो ओटीपी मांगेगा आजकल, है ना? तो रेफरल कोड
राज्यसभा सांसद थे। तो भैया कहाँ से थे ये जल्दी बताइए। Take care, good night.